हे फ्रेंड्स, वेलकम टू SGT। तो हमने जो पढ़ा होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसा करा कि जो v की जो वैल्यू है उसको 10 असाइन करिए, तो फिर हम v की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं b++। जब हम कुछ इस तरह से इंक्रीज करते हैं तो हमारा बाय वन इंक्रीज होता है, मतलब जो भी वैल्यू होगा उससे एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। अगर 10 है तो 11 हो जाएगा, 5 है तो 6 हो जाएगा, 7 है तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो v की वैल्यू था 10, वो बढ़ के यहाँ पर 11 हो गया। तो ये एक सिंपल सा फंडा है कि हम कुछ इस तरह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने कुछ इस तरह से करा int, वही मैंने करा int b इक्वल टू 10, तो फिर मैंने करा बी प्लस प्लस की जगह मैंने लिखा b+1। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने करा b+1, तो बी का वैल्यू क्या है? 10 है। तो सिंपली 10 + 1 = 11। तो ये हम कुछ भी करें, बी प्लस प्लस करें या बी प्लस वन करें, काम तो सेम ही कर रहा है। अगर हम 10 करें तो यहाँ पर भी 11 हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पर भी 10 करें तो यहाँ पर 11 हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आता है मन में, तो इसका फ़ायदा क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का फ़ायदा क्या है? काम तो वही हो रहा है, अगर हम बी से एक ऐड कर लें, वन ऐड कर लें, तो यहाँ पर 11 ही शो कर रहा है। अगर यहाँ पर बी की वैल्यू 7 है तो यहाँ पर 10 की जगह 7 है, तो 7 की जगह 80 हो जाएगा। यहाँ पर वही काम हो रहा है, 7 की जगह 80 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर 7 है तो अगर हम बी प्लस वन करते हैं तो 7 + 1 = 8 हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह से करते हैं b++, तो 7 + 1 = 8 हो जाता है। तो काम तो सेम ही है, तो फ़र्क क्या है दोनों के बीच में? काम सेम कर रहे हैं, आउटपुट भी सेम ही शो करेगा, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों के बीच में? तो चलिए देख लेते हैं क्या फ़र्क है इन दोनों के बीच में। तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर करा int b = 10 b++, तो यहाँ पर ये 11 शो करेगा, तो यहाँ पर भी ये 11 ही शो करेगा। अगर ये int है तो 11 ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर करा byte, तो यहाँ पर मैंने करा byte b = 10, फिर मैंने करा b++, जो कि बढ़ के 11 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने करा byte b = 10 b+1 = 11। तो इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा एरर है? क्या इसमें कोई एरर आएगा, क्या इसमें कोई एरर आएगा? एरर किस में? यहाँ पर इंट नहीं है, यहाँ पर बाइट है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो हमने डाटा टाइप डिफाइन करी है वो इंटीजर नहीं है, वो बाइट डाटा टाइप है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर हम इस तरह से प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कुछ एरर शो करेगा या नहीं? एक बार स्क्रीन को पॉज करिए, एक बार सोचिए कि एरर शो करेगा तो क्या एरर शो करेगा, अगर एरर शो नहीं करेगा तो चल जाएगा या नहीं? तो सिंपली देख लेते हैं एरर क्या शो करता है ये। तो मैं यहाँ पर अपनी सबलाइम जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर सिंपली इसको हटा रहे हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से करा बाइट b = 10, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर करा b++, तो फिर मैंने इसको प्रिंट करता हूँ b की वैल्यू system.out.println। तो यहाँ पर हमने b की वैल्यू को प्रिंट करवाया, तो यहाँ पर जो कि b की वैल्यू प्रिंट हो चुका है, तो इसको बार सेव करते हैं, cmd ओपन करते हैं हमारा। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, चल रहा है ये, तो रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी b का वैल्यू था 10, वो बढ़ के 11 हो गया, तो मतलब b++ में कोई भी एरर नहीं है, ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने अगर b++ करा तो 10 + 1 = 11 हो जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। अगर हम कुछ इस तरह से करते हैं b+1, क्या इसमें एरर शो करेगा? बात तो वही है ना कि b+1 जो है, b++ भी वही काम कर रहा है। अगर हम b का वैल्यू क्या 10 + 1 = 11, अगर b++ करें तो 10 + 10 मतलब 11 ही है। तो यहाँ पर काम तो वही कर रहा है, लेकिन क्या इसमें एरर आएगा? एक बार चेक लेते हैं क्या एरर आ रहा है कि नहीं। तो कंपेयर करा मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपली जो एरर शो कर रहा है b+1 नॉट ए स्टेटमेंट, कि JVM इसको नहीं मानता कि स्टेटमेंट है। क्यों ऐसा मानता है, तो चले देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है b+1, ये जो 1 है ये क्या है? एक वैल्यू है। ये किस तरह की वैल्यू है? इन टाइप का वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू है। तो हमने डेटा टाइप पढ़ते हुए डिस्कस करा था, जितने भी वैल्यू होंगे इंटीग्रल वैल्यू, उसको JVM बाय डिफॉल्ट इंट ही ट्रेड करेगा। यहाँ पर आपने b+1 करा है, ये 1 क्या है आपने डिफाइन नहीं करी, 1 इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, क्या है आपने डिफाइन नहीं करी यहाँ पर। तो JVM अगर आपने कुछ डिफाइन नहीं करते हो तो JVM इसको बाय डिफॉल्ट इंट ही मानेगा। तो यहाँ पर जो इंट है या जो 1 है तो इंट ही है ना, तो जो b है वो बाइट है। तो हमने यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं करे कि हमने कुछ इस तरह से करा बाइट, जो b है वो बाइट है, हमने उससे क्या ऐड करा? हम ऐड कर रहे हैं 1 जो कि इंट। तो अगर हम बाइट से इंट को ऐड करेंगे तो एरर ही आएगा ना। तो ये जो 1 है वह इंट है,
तो बाइट एक छोटा सा वैल्यू है, इंट जो है बड़ा सा वैल्यू है। हम एक छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते जावा में, जो कि इलीगल है। हम बाइट से इंट को ऐड नहीं कर सकते जो कि इलीगल है। तो इसीलिए यहाँ पर एरर शो कर रहा है। अगर आपको कोई भी पूछे कि बी प्लस प्लस और बी प्लस वन में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस यही है कि ये जो बी प्लस वन है हम बाइट से इंट को ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए एरर आएगा। अगर हम बी प्लस प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बी प्लस प्लस है यहाँ पर एक टाइप कास्टिंग फॉर्म होता है। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह से प्रोग्राम को बनाने के लिए कि आपको चाहिए 10 से 11, तो अगर चाहते हो आप कुछ इस तरह से करते हैं। हम तो यहाँ पर मैं अपनी जो टेक्स्ट एडिटर उसको ओपन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से करते हैं। हमको इस तरह से ही चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है? तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से करा, ये जो 1 है इसको बाइट पर टाइप कास्ट करते हैं, क्योंकि हमको बाइट और बाइट को ऐड करने पर वैल्यू शो होता है। तो हमने कुछ इस तरह से करा बाइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो बी है वो तो बाइट है ही, लेकिन जो 1 है वो इंट था। तो यहाँ पर हमने इसको टाइप कास्ट करा बाइट बी प्लस 1। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम चल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो इंट है उसको बाइट बना दिया। तो इसको एक बार सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद यहाँ पर सीएमडी ओपन करते हैं। ओके, यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल असाइन कर लेते हैं ताकि एरर ना आएगा। यहाँ पर बी इक्वल टू बाइट बी प्लस 1। तो एक बार इसको सेव करके देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कोई भी इसमें एरर नहीं है, जो कि जो प्रोग्राम है एरर फ्री है वो चल रहा है। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। रन करके तो जावा ऑपरेटर डेमो जो कि हमारे क्लास का नाम है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू शो है 11, क्योंकि जो 11 है वो 10 से बढ़कर एक 10 से 1 बढ़ गया तो 11 हो गया। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से कह सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह से प्रोग्राम बनाने के लिए कि आपको सिंपली बी प्लस प्लस ना करके बी प्लस 1 करना है, तो आपको सिंपली हर दम पर आपको टाइप कास्ट करवाना पड़ेगा, जो कि ईजी नहीं है। मान लो कि 2 लाइन का कोड था, हमने टाइप कास्ट कर दिया। अगर आपका 1000 लाइन का कोड होता तो कैसे करते? तो 1000 बार तो टाइप कास्ट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये एरर शो करता है। अगर आप यहाँ पर टाइप कास्ट कर रहे हो तो यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं करेगा। तो ये था एक डिफरेंस बिटवीन बी प्लस प्लस एंड बी प्लस 1। लेकिन जो बी प्लस प्लस है उसमें इंटरनली टाइप कास्ट होती है, लेकिन यहाँ पर जो साफ साफ लिखा है इन द केस ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इंटरनल टाइप कास्टिंग विल बी परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली। अगर हम यहाँ पर बी प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पर यूजर को खुद टाइप कास्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर हम बी प्लस प्लस करते हैं तो JVM इंटरनल इसको टाइप कास्ट कर लेता है, ताकि हमको बार बार टाइप कास्ट करना ना पड़े। तो ये था डिफरेंस बिटवीन बी प्लस प्लस एंड बी प्लस 1। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।